शहीद वीर नारायण सिंह नगर खुर्सीपार से एक विवाहिता अपने दो मासूम बच्चों के साथ बीते 29 दिसंबर को लापता हो गई थी, जिसके पश्चात समाज सेवी सुमनशील द्वारा लापता विवाहिता की मां के साथ इस बाबत एएसपी संजय ध्रुव को ज्ञापन सौंपा था। इस खबर को ग्रैंड एशियन न्यूज द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। वहीं पुलिस प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए लापता विवाहिता को इंदौर से बरामद कर लिया है। लापता की मां और समाज सेवी सुमनशील ने ग्रैंड एशियन न्यूज और पुलिस प्रशासन का आभार जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं पुलिस प्रशासन भी मैं धन्यवाद कहा था और मीडिया वाले भी मैं धन्यवाद कहा था कि मो लड़की मिल गई है सही सलामत, मो लड़की और दोनों ऊपर बच्चा मिल गए है। और सब मीडिया वाले मैंने धन्यवाद कहा पुलिस प्रशासन ना और जो भी है वो जो कलेक्टर ऑफिसर जो भी है सब धन्यवाद कहा था कि मो लड़की सही सुरक्षित मो घर में आ पहुँचा दे, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और मो लड़की अपन ससुराल में सही सलामत रहा है, अपन परिवार के साथ रहा है, खुशहाल से रहा है, उसके लिए धन्यवाद बोलत हूँ। सबके लिए धन्यवाद और जो गलती हुई मैं माफ़ी चाहत हूँ, मो तरफ से कोई गलती हुई माफ़ी चाहत हूँ। यहाँ भिलाई सेक्टर 6 निवासी श्रीमती परमिला साहू, जिसकी एकमात्र पुत्री, जिसका विवाह खुर्सीपार के शहीद वीर सिंह नारायण नगर में हुआ था। यहाँ की गत 29 दिसंबर को उनकी सुपुत्री अपने ससुराल से कहीं लापता हो चुकी थी, जिसके संबंध में एक आवेदन दिनांक 1 जनवरी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष आवेदन सौंपा गया था। और उस आवेदन के उपरांत भिलाई के ग्रैंड एशियन न्यूज़ द्वारा इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया और जिसका नतीजा यह रहा कि यह पुत्री जो कि इंदौर में चली गई थी, उसकी जानकारी प्रशासन को मिलने के उपरांत पुलिस प्रशासन द्वारा भी तत्काल इंदौर पहुंचकर उनकी सुपुत्री को सकुशल भिलाई लाया गया है। इस कार्य के लिए मैं पुलिस प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और साथ ही ग्रैंड एशियन न्यूज़ को भी मैं इस धन्यवाद देता हूं कि आज उनका जो परिवार यहां सकुशल पहुंचा है। कहीं ना कहीं इन दोनों का कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है।